আবারও ফিরে এলো সেই 21 নভেম্বরের স্মৃতি। সেবার ইন্দোর পাটনা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা কবলে পড়েছিল, 143 জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। আজ লাইনচ্যুত হলো আজমের শিয়ালদা এক্সপ্রেস, সেটাও কানপুরের কাছে দেহাতে। ট্রেনের 15টি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে। আমাদের কিছুক্ষণ আগে সিপিআরও জানিয়েছেন 15টি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে, তার মধ্যে 13টি স্লিপার কোচ, 2টো জেনারেল বগি। ভোর 5:30 নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটেছে, তবে ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনা তা এখনও স্পষ্ট করা যাচ্ছে না। রেল কর্তৃপক্ষ তারা এই মুহূর্তে প্রাথমিকভাবে উদ্ধার কাজের দিকে নজর দিয়েছে, ফলে ঠিক কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে তবে ক্যাজুয়ালিটি এখনও পর্যন্ত নেই বলে আমাদের সিপিআরও জানিয়েছেন। আহত হওয়ার খবর আসছে, অন্তত পক্ষে 50 জন আহত হয়েছেন এমনই জানানো হচ্ছে রেলের পক্ষ থেকে। তবে এই দুর্ঘটনার জন্য এই মুহূর্তে নয়াদিল্লি হাওড়া রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। আজ ভোর 5:30 নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটে, দেহাতে ট্রেনে 15টি কামরা লাইনচ্যুত, আজমের শিয়ালদা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত। শ্রেয়সী গাঙ্গুলী আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমার সঙ্গে টেলিফোনে। শ্রেয়সী, আমরা কিছুক্ষণ আগে সিপিআরওর সঙ্গে কথা বললাম, তিনি পরিষ্কার করলেন মোট 15টি কোচ, তার মধ্যে 13টি স্লিপার কোচ, 2টি জেনারেল বগি। শোনা যাচ্ছে বেলাইন মোট 15টি কামরা জখম হয়েছেন অন্তত 50 জনে। এর আগে 21 নভেম্বর দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যে দুর্ঘটনায় 150 জনের মতন মৃত্যু হয়েছিল মানুষের। ফের উত্তরপ্রদেশে দুর্ঘটনা এবং সেটাও কানপুরের কাছে। এর আগে 21 নভেম্বর দুর্ঘটনা ঘটেছিল, 150 জন মৃত্যু হয়েছিল এবং সেই সময়ও কিন্তু বলা হয়েছিল যে যেহেতু এই সমস্ত ট্রেনগুলোতে অত্যাধুনিক রেল কোচ ব্যবহার করা হচ্ছে না, অত্যাধুনিক রেল কোচ নেই, যে কারণে দুর্ঘটনার সময় এভাবে রেলের বগিগুলো উল্টে পাল্টে যাচ্ছে। এবারে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই চিত্রটা পরিষ্কার, এত মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনো ক্যাজুয়ালিটির খবর নেই, 50 জন আহত হয়েছেন এরকম জানালেন রেলের সিপিআরও। উত্তরপ্রদেশের ট্রেন দুর্ঘটনা এবং সেটা কানপুরের কাছে রুরা স্টেশনে দুর্ঘটনা ঘটেছে, আজমের শিয়ালদা এক্সপ্রেস বেলাইন। কি বলছেন অনিল সাক্সেনা, আপনাদের শোনাবো। যোগেন্দ্র প্রতাপ সিং আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। যোগেন্দ্রজি, लास्ट क्या अपडेट है दुर्घटना के बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं, अब तक जो अपडेट सामने आया है उसमें 14 बोगियां जो है वो डिरेल हुई है, जिसमें 2 बोगियां नहर में गिरी है और 1 बोगी जो है वो पटरी से उतर कर खंभों में जाकर टकराई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो मेजर डैमेज जो बोगियां हुई है वो 5 बोगियां हैं और बाकी की कुल मिलाकर 14 बोगियां डिरेल हुई है और इसमें लोगों को निकालने का रेस्क्यू काम जो बताओ। और मैथा स्टेशन के बीच सियालदा अजमेर ट्रेन है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, ये हादसा जो है आज सुबह 5:20 पर हुआ है। इसमें जो हमारी ट्रेन इन्वॉल्व है वो है 12987 सियालदा अजमेर एक्सप्रेस। ये हादसा रूरा और मैथा स्टेशन उत्तर प्रदेश में है जो के बीच में हुआ है। जो बड़ा सेक्शन की बात करूँ तो ये कानपुर और इटावा के बीच की बात है। रेलवे के हिसाब से ये जगह जो है आपके नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में पड़ती है। ये तुरंत इस हादसे के बाद इसमें खबर ये है कि शुरू के इंजन से लगे हुए 5 डिब्बे तो इंटैक्ट हैं पटरियों पे, 6वें से लेके 20वें डिब्बे तक ये 15 डिब्बे डिरेल हुए हैं। इसमें 13 डिब्बे जो प्रिलिमिनरी जानकारी हमारे पास है स्लीपर क्लास के लगते हैं और 2 डिब्बे ऑर्डिनरी सेकेंड जनरल क्लास के डिब्बे हैं। इसके बाद 21वें डिब्बे से आगे के डिब्बे 21, 22वां डिब्बा, 23वां डिब्बा, 23वां, 24वां डिब्बा ये जो हैं इंटैक्ट हैं, ये भी पटरी पर हैं। तो जो इसमें एक हमारे अधिकारी ट्रैवल कर रहे थे, डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर इलाहाबाद डिवीजन के, तो उन्होंने जो हमको प्रिलिमिनरी जानकारी दी उसके हिसाब से कोई कैजुअलिटीज की संभावना नहीं लग रही है। थोड़े डिरेलमेंट की वजह से झटका होता है, हल्की मामूली खरोचें आ सकती हैं, छोटी मोटी इंजुरीज हो सकती हैं। हमारी एम्बुलेंसेज वहां पहुंच गई हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिवेट हो गया है, स्थानीय लोग शुरू में जो मदद करते हैं उन्होंने मदद भी की है। हमारी मेडिकल ट्रेन भी पहुंच गई है कानपुर से, दूसरी ट्रेन टुंडला से भी रवाना हुई है, वो भी पहुंचने वाली होगी।
हमारे अधिकारी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वहां पहुंच गया है और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को हम पूरी इफेक्ट के साथ प्रारंभ कर दिए हैं। ये जो है इसकी वजह से थोड़ा सा यहां का जो यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये हादसे में बहुत ज्यादा जानो माल की क्षति नहीं होनी चाहिए और जैसे जैसे इंटीमेशन हमें डिटेल्स मिलती जाएंगे आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमने हेल्पलाइन भी सेटअप कर दी हैं, हमारे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ जो हैं आपको रेगुलर बुलेटिन के माध्यम से भी जानकारी दे रहे हैं और इस स्टेशन के अलॉन्ग जो इम्पोर्टेंट स्टेशन हैं वहां पे हेल्पलाइन नंबर्स भी सेटअप किए हैं, वो आपको हम अलग से जानकारी दे देंगे, आप फ्लैश कर सकते हैं। और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को अब चूंकि हमने अच्छी तरह से प्रारंभ कर दिया है, उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन बहुत जल्दी जो है नियंत्रण में आ जाएगी। सर कुछ कारण का पता लगा है, किन कारणों से यह हादसा? अभी इस स्टेज पे तो हम उस पर कंजेक्चर नहीं कर पा रहे हैं कि किस वजह से हुआ है। वहां पे फॉग थी और ये जो ट्रेन जो है हम मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सेक्शन में इसको ऑपरेट कर रहे थे, तो देखते हैं क्या बनती है स्थिति, क्या डिटेल्स निकलती है बाद में। अच्छा, कुछ गाड़ियों के रूट भी बदले गए हैं या क्योंकि रूट तो डिस्टर्ब हुआ है? हाँ, थोड़ा रूट डिस्टर्ब हुआ है, कानपुर इटावा के बीच में यातायात प्रभावित हुआ है और हम वही प्लानिंग चल रही है। ट्रेनों को कुछ हमने कानपुर एंड पर रोका है, कुछ को इटावा पर रोका है, कुछ डायवर्ट करके ट्रेनों को चलाने का प्लान कर रहे हैं। वो जानकारी भी थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करेंगे।